करे छेड़खानिया है, मिट्टी मिट्टी तेरी साडे दिल नू लगे शैतानिया है। किचन में आपका वेलकम है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह आपको हेल्थी तंदुरुस्ती दे। यहाँ मैं बना रही हूँ चिकन कटलेट्स रशियन कबाब। तो उसके लिए लिया है मैंने 300 ग्राम चिकन ले ली है, ये बोनलेस लिया है। यहाँ मैंने 5 से 6 फ्रेंच बीन्स ले लिया था, उसे बारीक बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ मैंने गाजर ले ली है, एक मीडियम साइज की गाजर लेके उसे क्रश कर लिया है, बड़े दांत की जगह से क्रश कर लिया है। तो चलिए पकाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 400 ml पानी ले लिया है। यहाँ मैं चिकन डाल लूँगी, चिकन को हमने धो लिया है। ये सारी चिकन मैं इसमें डाल रही हूँ। चिकन डाल दी है, यही मैं फ्रेंच बीन्स भी डाल रही हूँ इसमें। यही 1 teaspoon अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, 1/2 teaspoon के करीब नमक डाल दिया है। अब इसे हम पका लेंगे। मैं अच्छी तरह से सब चीज़ मिक्स कर रही हूँ। मैंने मिक्स कर लिया है, इसे हम 5 मिनट पका लेंगे। अभी यहाँ हमारे चिकन को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। यहाँ मैंने गाजर डाल दिया है, बस इसे 1 से 2 मिनट पकाना है, बस ज़्यादा नहीं पकाना है। अच्छे से मिला लूं, 1 से 2 मिनट पकाना है हमें। यहाँ गाजर को डाले हुए 1 से 2 मिनट हो गया है, मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और अब इसे मैं छान लूंगी। इसका पानी हमें फेंकना नहीं है, इसका पानी हमें रखना है, जैसे स्टॉक कहते हैं उसे रखना है संभाल के। यहाँ मैंने चिकन का पानी निकाल दिया है, स्टॉक निकाल दिया है। यहाँ देखिए स्टॉक यहाँ पे रखा हुआ है, बस इतना ही चाहिए हमें। यहाँ हमारी सब्जी है जो हमने चिकन के साथ में उबाली थी, तो चिकन सब्जी भी यहाँ पे निकाल के रख ली है। यहाँ मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है, इसमें मस्का डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून मस्का ले लिया है, 2 टेबल स्पून मैदा डाल रही हूँ। हम एक सॉस तैयार करेंगे। अब मैं इसे अच्छी तरह से चला लूँगी। गैस का फ्लेम स्लो ही रखना है, फास्ट नहीं करना है। यही 1 कप दूध डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से चलाना है कि हमारे इसमें लम्स ना बने। अच्छी तरह से चलाना है। यहाँ ये स्टोव डाल रही हूँ, जो हमने पानी जो रखा था चिकन उबाल के वो भी डाल दिया है, अच्छे से चला लेंगे हम। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/4 teaspoon काली मिर्च पाउडर, 1/2 teaspoon से कम नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, क्योंकि हमने चिकन में भी डाला था, इस वजह से आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। इसे अच्छी तरह से अब हम पका लेंगे, स्लो फ्लेम पे ही पकाना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि ये हमारी जो क्रीम है अच्छे से ठीक हो जाए। क्रीम को चलाते हुए 5 मिनट हो गया है, ये देखिए पकाते हुए से 5 मिनट्स हो गए हैं, ये अच्छे से गाढ़ा भी हो गया है। ये देखिए बस इतना ही ठीक चाहिए था हमारे को। मैं गैस का फ्लेम अभी ऑफ कर दी हूँ, मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। यहाँ देखिए चिकन को मैंने मिक्सर में एक बार घुमा के, मिक्सी में घुमा के इसका अच्छे से क्रश कर दिया है। ये देखिए आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, मिक्सर से एकदम आसानी होती है और जैसा हमें चाहिए वैसा ही मिलता है। तो देखिए मैंने मिक्सर में पीस लिया था। यहाँ देखिए मैंने 1 teaspoon रेड चिली फ्लेक्स ले लिया है, 3 हरी मिर्चें लेके एकदम बारीक बारीक चॉप कर ली है। यहाँ मैंने थोड़े से ग्रीन पार्ट ले लिए हैं स्प्रिंग अनियन का, ये सब हम इसमें डालेंगे चिकन के अंदर। यही वो सब्ज़ी भी जो हमने चिकन के साथ में उबाली थी, ये सारी हम डालेंगे इसमें। यहाँ देखिए हमारा सॉस ठंडा हो गया है, ये देखिए एकदम ठंडा हो गया है सॉस हमारा। मैं इसे अभी चिकन में डालूंगी। यहाँ मैंने चिकन के बाउल में डाल दिया है सॉस, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसालों में हमने मिक्स कर लिया है, सॉस हमारी वेजिटेबल चिकन सब हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी हाथों पे तेल लगाकर
और इसकी हम टिकिया बनाएंगे। यहाँ मैंने हाथों में अच्छी तरह से तेल लगा लिया है और हम ये चिकन लिए हाथों में, इसके टिकिया बना देंगे। अब आपकी मर्जी है कौन से साइज की बनाना है, कौन से शेप में बनाना है, आपकी मर्जी है। तो मैंने से शेप में बना दिए है। ये हमारी टिकिया तैयार है, ये देखिए रशियन कटलेट तैयार है। अब मैं यहीं पर ही मैदे में डाल रही हूँ। यहाँ मैं अंडे में डिप करूंगी इसको। मैंने यहाँ पे अंडे में डिप करके इसे निकाल लिया है और यहीं मैं सेवई में डाल रही हूँ। यहाँ देखिए मैंने सेवई में भी इसे कोट कर लिया अच्छी तरह से। यहाँ देखिए मैंने सेवई में भी अच्छी तरह से इसे कोट कर लिया है। मैं अब इसी तरह सभी बना लूंगी। यहाँ देखिए मैंने कटलेट तैयार कर दिया है और यहाँ तेल रख दिया है गरम। ये देखिए तेल रख दिया है गरम करने। मैं इसमें एक एक करके कटलेट से डाल रही हूँ। स्लो फ्लेम रखना है, फास्ट नहीं करना है। यहाँ देखिए मैंने डाल दिए हैं। यहाँ देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं हमारे कटलेट्स को पकते हुए। अब इसे हमें टर्न कर लेती हूँ। इसी तरह मैं सारे कटलेट्स टर्न कर लूँगी। ये देखिए कलर देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत आया है। यहाँ देखिए कटलेट्स हमारी तैयार हो गई है। मैं टिश आउट कर लूँगी इसे अभी। तेल अच्छी तरह से निकाल लेना है इसका। यहाँ देखिए हमारे रशियन चिकन कटलेट तैयार है, एकदम क्रिस्पी है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। ये देखिए। चलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। मेरी रेसिपी पसंद आती है लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। फिर मैं मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। वो हमें याद रखिए।